गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और एक नए ब्लॉग में आपकी स्वागत करते हैं। और आज है हमारे घर पे करहा पूजा। तो गांव में कैसे करहा पूजा होता है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और घड़ी में सुबह के हो गए हैं 5:10 पे और हमारे पीछे कुछ व्यूज़ देख सकते हो। हमारे गाँव का पूरा खेत खेत खाली है। चलिए मिलते हैं आपसे। और ये रहा हमारे गांव का खूबसूरती नज़ारा सुबह सुबह का। और अभी सूर्य भगवान नहीं निकले हुए हैं, यहाँ पे तकरीबन 5:30 या 5:45 को निकल जाते सूर्य भगवान। और दिन हो गया है बड़ा और देख सकते हो खूब नज़ारा इधर के हमारे गांव का, हरियाली हरियाली। चलिए मिलते हैं आपसे। और वहाँ पर देख सकते हो घर पर तैयारी हो रही है जोरों शोर से एकदम। चलिए सो गाइस, ये देख सकते हो गोबर से लिपा गया घर और बैठे हैं चाचा और बड़े पिताजी। और चलिए आपको हम दिखाते हैं करहा पूजा का पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में। और आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। और आप देख सकते हो पूरा घर एकदम चमक रहा है। और यहाँ पे हो रही है सब्जियाँ की तैयारी, जो कि पूजा के बाद खाना खाने को मिलेगा सभी लोग को। और ये यहाँ पे कुछ भाई लोग एकदम आलू को छील रहे हैं और कटिंग भी साथ में हो रहा था, वहाँ पर देख सक रहे थे इस वीडियो में आप लोग। और यहाँ पर आलू छीलने के बाद वहाँ पर आपको पूरा मतलब दोपहर में एकदम कड़क धूप में ये लोग बैठ के मस्त से छांव में, मतलब थोड़ा सा छांव था वहाँ पे, कर रहे थे काम। और चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का प्रोसीजर ये है कि अब ये आ गए पिंटू भाई और ये सब हैं मैं और बाकी सब लोग आटा गूंथने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरी भी बनने वाली है। तो भैया आप लोग के जिम में तो पानी आ गई, अभी बने रहिए इस वीडियो में, आगे दिखते हैं। ये रही पूरी, अब पूरी निकाली जा रही है। और वो हलवाई था, हलवाई भैया इतने फास्ट थे कि फटाफट करके हटा दिए। अब यहाँ पे आ गए भगत जी। और भगत जी आप देख सकते हैं जो वाइट पगड़ी बांध के हैं, जो पूजा देने वाले, मतलब करहा पूजा। देसी हमारे यूपी और नॉर्थ साइड में ये करहा पूजा यादव के घर पे होता था, अभी तो सब लोग करवाते। सो गाइस, तो ये देख सकते हो आप लोग रेडी हो चुका है। और इधर भगत जी जो बैठे हैं देख रहे हो काम कर रहे हैं ये वाले। और यहाँ कुंडली बन चुका है और कुंडली बनने के बाद देखिए अभी रेडी हो चुका है एकदम पूरा। और पूड़ी भी बन चुकी है, वहाँ पे काम चालू ही है। चलिए हम आपको आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं। आगे दिखाते हैं, ये हमारा प्रोसीजर रहा पैर का, जो वहाँ पूजा में घर में पूजा है तो ये पैर का कुछ गाँव का रीति रिवाज है, पैर पूरा लिपाने का क्या पोतने का जो भी बोल चलो यार। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आपसे आगे भी दिखाते हैं आपको। और ये देख सकते हो आप पूरे से ये दादी माँ पूरा अच्छे से पैर लीप रही हैं या पोत रही हैं, जो भी है आप अच्छी सी डिज़ाइन बना। सो गाइज, तो ये देख सकते हो पूरा लुक रेडी है। अभी आप लोग कमेंट में करके बताना ये लुक कैसा लगा, मुझे तो बहुत आई, बस बोले तो एकदम अच्छा। तकरीबन एक घंटे के बाद, एक या डेढ़ घंटे के बाद पूजा हो गई समाप्त। और ये देख सकते हो भगत जी को उठा के लेके गए अभी। और आपको आगे अभी होगी आरती इस वीडियो में, और आरती भी देखेंगे आप इसी वीडियो में। और ये होगी समाप्त। देखो सब लोग खड़े हो गए हैं और कुछ लोग बैठे हैं, जिनको खड़ा होना था खड़े हो गए और जिनको बैठना था वो बैठे हैं। तो यहाँ पे अभी होगी आरती, आप लोगों को दिखाते हैं। और अभी मैं ये देख सकते हो सब लोग खड़े हो गए, इतने लोग बैठे थे, चाचा उचा और बाकी लेडीज़ें तो बैठी थी, मैं घुमा के दिखा रहा हूँ आपको। चलिए देख सकते हो सब लोग खड़े हैं, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में हूँ, बाकी राइट में चाचा दादा बाकी सब लोगों का है। चलिए पूजा ख़त्म होने के बाद जो खाना खिलाते हैं, बाकी जो बना हुआ खाना है वो प्रसाद के रूप में सब लोग खाता है। तो अभी करहा पूजा खत्म हो गया और सब लोग खाली हो गए। और देखिए पूरी कुर्सी खाली, टेंट खाली और सब लोग चले गए हैं। और चलिए अभी मिलते हैं, और ये हमारे छोटे चाचा हैं। चलिए मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि वीडियो पहले मिल सके। जय हिंद जय भारत।